रटौली रोड स्थित एक 11वीं कक्षा के छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। छात्र का नाम कमल है, जिसने हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की थी। ये घटना उस वक्त हुई जब कमल घर पर अकेला था। कमल ने आत्महत्या करने से पहले अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला, जिसमें उसने लिखा, बाय बाय दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जब तक उसके दोस्त इस स्टेटस को पढ़ते, तब तक कमल ने आत्महत्या कर ली। हालांकि जब कमल की बहन घर पहुंची, तो उसने अपने भाई को फंदे से लटकते हुए देख तुरंत उसे नीचे उतारा। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। परिजनों की माने तो कमल ने इस बार 95% नंबर लेकर 10वीं से पास आउट किया था। बेटे की मौत के बाद से परिजन भी सदमे में है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच करना शुरू कर दिया है। किया है और कमल नाम है इसका, उसे गमलू बोलते हैं। और 1:30 बजे तक ठीक था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी इसने, उसके बाद इसने सुसाइड किया। कारण कुछ पता नहीं लगा अभी। और इसकी छोटी बहन ने इसको आगे उतारा, वो ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन से आई तो उसने हटका ही देखा। घर पे अकेला था उस वक्त? घर पे अकेला था उस टाइम। तो कुछ कारण पता चल पाया? कुछ भी नहीं पता लगा जी अभी। इसका हमने फ़ोन भी चेकआउट किया है, फ़ोन में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। मैसेज इसने सुबह मैसेज किया सबको 8:45 बजे के आसपास कि बाय बाय दोस्तों मैं जा रहा हूँ। उसके बाद इसने इसकी स्टेटस नहीं था, उसके बाद इस पता नहीं, बहुत कुछ नहीं था। स्टेटस पे लिखा था इसने, हाँ बाय बाय मैं जा रहा हूँ। कौन सी क्लास का था स्टूडेंट? 10th पास आउट किया, 95% मार्क्स हैं। परिजनों की माने तो कमल का फोन चेक करने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा और ना ही आत्महत्या का कोई कारण सामने आया। परिजन भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर उनके बेटे ने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। खैर, पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।